वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि किसी भी मतलब चालक के लिए आप देखिए या पायलट के लिए ये एक ऐसा मौका है जो हर कोई तमन्ना करता होगा मुझे लगता है। लेकिन चूंकि जो पायलट हैं और मैं चूंकि सेम परिवार से पति पत्नी हैं, तो हमारा गुरु स्थान जो है अयोध्या है, तो चार पीढ़ियों से हमारा गुरु स्थान वही है और हमारी अटूट आस्था है, तो उसी जगह जा रहे हैं और लक इज विद अस दैट वी हैव गॉटन द अपॉर्चुनिटी ही टू फ्लाई एंड आई टू विटनेस भक्ति में भी मुझे लगता है। हर कोई जो है एक अलग चरण में भगवान रंग में जिस तरह से रंग आया है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है, भगवान कर रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। एक ऐसा अनुभव है कि जिससे मतलब मुझे लगता है बरसों से लोगों की तमन्ना आ रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर का निर्माण हो रहा है, इनोग्रेशन होने जा रहा है और यह एयरपोर्ट राइट एट द टाइम। अवधपुरी की ओर जा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, और ये कहना चाहूंगा कि आज धनुषधारी का काम हो गया है और आगे त्रिशूलधारी का और सुदर्शनधारी का काम होना बाकी है। जय श्री राम, 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 राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालन हारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी, राम जी की, जय श्री राम। बच्चों के साथ बहुत ही उत्साह के साथ आए हैं और बहुत उत्साह के साथ वहाँ रहेंगे, अभी 24 तारीख तक वहीं है राम जी के लिए। जय श्री राम। इतिहास बन रहा है, अयोध्या का एरोड्रम चालू हो रहा है, पहली फ्लाइट राजधानी दिल्ली से अयोध्या जा रही है, जिसमें हमारे जैन लोग भी जा रहे हैं आज, क्योंकि भगवान श्री राम के साथ साथ हमारे जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों ने वहाँ जन्म लिया है। भगवान ऋषभदेव ने करोड़ों साल पहले वहाँ जन्म लिया है, वहाँ पर हमारा जैन मंदिर है और उसका खूब विकास चल रहा है, हमारे जैन लोग आज काफी संख्या में इसमें जा रहे हैं। जो इस जन्म में अब हमारे अयोध्या भी बन गई, मंदिर भी बन गया और इतने सुंदर दर्शन हो जाएंगे सबको, हम ये हम अपना मतलब भाग्य अच्छा मानते हैं। हमारे परिवार के 11 महीने के बच्चे से लेकर और मैं 64 साल की उम्र का, पूरे परिवार के सब मेंबर इस फ्लाइट में जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है, इसलिए हम लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। इंतजार कर रहे थे, इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, भगवान ने चाहा, मोदी जी ने चाहा और योगी जी ने चाहा, ये दिन आ गया। जय श्री राम।